मैडम सीएम भी बन गई और फिर 60% जो बहुजन समाज के लोग थे उनको अनदेखा कर दिया। मैडम ने धोखा दे रखा है, खुद हम 98 में बहिष्कार करके आए थे, पूरा काफिला गया था 38 जातों का। आनक समाज, बावरिया समाज, खटीक समाज, ये जो समाज है 38 कास्ट हैं, इनको अनदेखा कर रही है मैडम। बहुजन समाज पार्टी तो शुरू में अच्छी थी, लेकिन अभी 3-4 साल, अच्छा शुरुआत से हम आपके बारे में, बहुजन के बारे में डिटेल से बताते हैं। जब मैडम मायावती बहन जी जो थी ये यंग थी और इंद्रपुरी में 25 गज के प्लॉट में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे और काशीराम जी साइकिल पर रैगरपुरा में इनका ऑफिस था छोटा, और मैडम जो है काशीराम जी के ऑफिस में सेक्रेटरी, दिल्ली प्रदेश की सेक्रेटरी बने थे, और हम भी यंग थे और हम दिल्ली पुलिस में सर्विस कर चुके थे। एक IRS गोपी चंद जी थे, गोपी चंद ने कहा भाई एक ये तो हमारा, आप रिजाइन दे दो, राजनीति में आ जाओ, बहुजन जो है इसको उठाना है। तो हमने कहा अभी तो बच्चे भी छोटे हैं गोपी चंद जी, कहाँ रिजाइन दिला रहे हो। मैडम मायावती जी जो है ग्रेजुएट है, लॉ भी किया हुआ है और ये सक्षम है, इन्हीं को हम उठाते हैं, अच्छी तरह इनको शक्ति देते हैं। और हमने पहली बार दिल्ली में 6 जून 1992 में मंगोलपुरी में कबीर जयंती का प्रोग्राम रखा, 6 जून 1992 में, और उस कबीर जयंती के प्रोग्राम में रविदास संगठन जितने भी थे, बैरवा समाज, वाल्मीकि समाज और इन सभी समाज को हमने इनवाइट किया, भाई हमारी कबीर जयंती समाज में आज शामिल हों आप अपने अपने झांकियों के साथ। और जब रविदास की झांकी, रविदास संत रविदास जी की झांकी निकलेगी तो हम अपनी झांकियां वहां शामिल करेंगे, और हम 5-7 आदमी थे और हमने इनवाइट कर दिया। जमुना पार की झुग्गियों में जो हाथी पालते थे, हाथियों के मालिकों को, हाथी भी, बैंड भी, और 10,000 की पब्लिक आ गई इस इनवाइट में। वहाँ हमने यंग मायावती जी जो ट्यूशन पढ़ाती थी बच्चों को, उनको चीफ गेस्ट बनाया कि मैडम आप हमारे चीफ गेस्ट होंगे, और वे चीफ गेस्ट में पहला प्रोग्राम मंगोलपुरी में 6 जून 1992 में हमने किया, और वहाँ हमने आशीर्वाद दिया बहुजन समाज ने। यहाँ आप ये बात सोचने वाली है कहाँ इसकी चाबी अटकी हुई है। बहुजन समाज ने मायावती जी के सिर पर हाथ रखा और उनको आशीर्वाद दिया कि दोबारा अगर हमारे प्रोग्राम में आप आएंगे तो CM बनकर आएंगे। और वहाँ पर मैंने खुद भाषण दिया था हरिजन शब्द पर, जो कि रिसर्च एक प्रोफेसर थे विजय कायत जी, हरियाणा के यूनिवर्सिटी में अभी VC हैं, वो लेक्चर हमने दिया। तो वही लेक्चर मैडम मायावती ने लखनऊ में जाकर दिया, उसमें जब लखनऊ में मैडम ने वो लेक्चर दिया। अच्छा ये सारी कहानी हम क्यों बता रहे हैं, ये कहानी में जहाँ चाबी रुकी हुई है और ये 2 साल से खाता भी नहीं खोल पा रहे BSP, वो चाबी भी अभी आएगी आपके सामने। तो उसके बाद ये 2-3 बार मैडम CM भी बन गई, और फिर 60% जो बहुजन समाज के लोग थे उनको अनदेखा कर दिया, और उनको टिकटों में एक सीमित हो गए उसी तोड़फाड़ से। आप उदाहरण के तौर पर आप हरियाणा में चले जाओ, आज के टाइम में हरियाणा में 60% बहुजन समाज के वोटर बिल्कुल सरेआम खुले मैडम के खिलाफ हैं, 40% वोट सिर्फ मैडम के साथ हैं। तो जो 60% वोट हैं हरियाणा के बहुजन समाज के, वो 60% ये तो ढूंढ रहे भाई वोट कौन नहीं दे रहा, वो खुले कह रहे हम नहीं दे रहे। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ साहब अपने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, उसमें 7 जजों की खंडपीठ में 6 फरवरी, 7 फरवरी, 8 फरवरी 2024 में इसी मैटर को, जो मैं सुना रहा हूँ इसी मैटर को, चंद्रचूड़ साहब ने 25 घंटा लगातार सुना, और सुनने के बाद ऑर्डर रिजर्व रखा हुआ है। तो अब वो जो अब आप कह रहे हैं कि बहुजन की सीटें क्यों नहीं आई, हरियाणा में देखो ना 0 पे थी कांग्रेस और 5 सीट आई है, 5 सीट में 2 बहुजन की है, कौन कह रहा बहुजन की नहीं है। लेकिन वो बहुजन की कौन सी है जो 60% वोटर थे वो सीधे कांग्रेस में गए और कांग्रेस से शैलजा को और अंबाला और सिरसा सीट से जीता है, BS वही तो कह रहा खत्म क्यों हुई है कि उनको 60% वोटों को मनाओ ना, श्रेयम खड़े पंचायत लेकर हरियाणा में, अब वो आंख में आंख मिला के बात करो, बहुजन के जो सीनियर लीडर है आंख में आंख मिला के बात करो,
तो जैसे कि सवदेश कराड़ जी हैं ग्राउंड पर उतरे हैं, धर्मेंद्र डावला हैं हरियाणा में, और महापंचायत है उसमें अब बात आ जाए वापिस बहुजन पर ही। बहुजन में हरियाणा में 42 कास्ट है, स्टूल कास्ट 42 में से 38 कास्ट इकट्ठी है, और 38 कास्ट जो इकट्ठी है उनकी है 5.5 लाख वोट सिर्फ सिरसा में, और 2.5 लाख वोट जो है वो अलग है 4 कास्ट की, 38 4 42, 4 कास्ट की 2.5 लाख वोट है। अब वो जो 2.5 लाख वोट वाला दोनों कैंडिडेट बीजेपी ने भी और कांग्रेस ने भी दोनों सुरक्षित सीट पर वो ही उतार दिए, कौन 2 लाख वोट वाले और 4 लाख वोट वाले खड़े हैं। अब बहुजन के जो अगर कैंडिडेट उतरता वहां सिरसा में रंबाला में, बहन जी ने क्यों नहीं उतारा, और नहीं भी उतारा है तो वो जो भी उतारे कांग्रेस ने भी वही उतार दिए और उसने भी, तब हरियाणा के बहुजन ने मिलकर कहा कि इन दोनों सीट को हम जिताते हैं। लेकिन राज्यसभा की सीट अभी एक खाली हुई है, अभी जो ये 1-2 दिन में रोहतक सीट में दीपेंद्र हुड्डा जी जो है वे लोकसभा से भी राज्यसभा से भी, राज्यसभा की सीट खाली होगी। अब पूरे दलित कह रहा है कि राज्यसभा की सीट हरियाणा की दलित को दी जाए, और सर्वसम्मति से पूरा हरियाणा एक हो गया एक आदमी पर। भाई ये कह रहे हैं मैं किसको दे, बोले एक दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर है, रिटायर्ड ग्रेजुएट भी है, और अपना दलित का हर एंगल से फिट आदमी है, तो उन्होंने उनका नाम रख दिया। उसके अपोजिशन में एक भी नहीं आया। अब कांग्रेस अध्यक्ष के पास ये रिक्वेस्ट जाएगी अब हरियाणा के दलितों से कि भी दलित का जो अभी 2-4 दिन में राज्यसभा का एमपी हो दलित का होना चाहिए, तो दलित के कितने हो जाएंगे 3 हरियाणा में, 5 तो ये हो गे, 5 में से 2 थे एक और हो जाएगा 3। तो ये जो दलित वोट है ये मायावती को चाहिए कि इन 38 कास्ट को भी साथ लेकर बाबा साहेब के मिशन के आखिरी आदमी तक बेनिफिट आरक्षण का मिले, ये 38 कास्ट इसलिए लड़ रही है, इसलिए इसके खिलाफ है। और जो 38 कास्ट है ये दलित के साथ धरने प्रदर्शन में ऐसे प्रोग्राम में आते हैं, वोट नहीं देते, राजनीतिक रूप से बिल्कुल बहिष्कार किया हुआ है, तो बहिष्कार को मनाएं तभी तो आएगी। अब चाहिए इसमें अगर बहुजन इंडियन एयरलाइंस में जुड़ भी जाती तो भी बहुजन की सीट तो नहीं आनी थी, कांग्रेस की जो ये गठबंधन है ये सीट बढ़ जाती और बीजेपी की सीट 2 उस पर आ जाती फिगर पर। धोखा नहीं, बहुजन को ही मैडम ने धोखा दे रखा है, खुद हम 98 में बहिष्कार करके आए थे, पूरा काफला गया था 38 जातों का। 38 जात फिर कौन सी है, जो जात थानक समाज बावरिया समाज खटीक समाज ये जो समाज है 38 कास्ट है इनको अनदेखा कर रही है मैडम, सिर्फ चमार समाज जाटा समाज भैरव समाज 3 समाज को लेकर चल रही है। वो तो कहती है ना, कहने अलग है प्रैक्टिकल में आओ ना, हरियाणा में वो बात तो उठाते रहे, वो तो अलग है, मैं तो वो तो उठाए वो अलग ही है, इनको देखा इनको अनदेखा कर रहे हैं। 38 कास्ट जो है हरियाणा की जो साक्षात ये अभी 6 फरवरी 7 फरवरी 8 फरवरी 2024 में चंद्रचूड़ साहब के पास ऑलरेडी वो 25 घंटा सुना हुआ फैसला रिजर्व रखा, वो आएगा जब देखने। और हरियाणा में अब इसी इलेक्शन में देखा होगा आपने कि हरियाणा में 5 में से 2 दलितों की सीट है और दोनों जीते हैं दलित। किसने जीता है, जो बीएसपी का बहिष्कार कर रखा है एससी की 60% वोटों ने, उन्होंने जीता है और उन्होंने इन तीनों को जीता है। अब अगली राज्यसभा ये नहीं देंगे तो विधानसभा में फिर ये कांग्रेस का सीएम नहीं बनना। अगर विधानसभा चुनाव नजदीक है ये मैं कह रहा हूँ सीएम हरियाणा यूपी और पंजाब में सीएम बन सकते हैं अगर ये जो हमने बताया है अपनी बहुजन समाज को मना लें, जो जिन्होंने उनको ये दिक्कत है कि वो जो पक्षपात करती हैं कि सिर्फ हर जगह 3-4 कास्ट को ही पक्षपात कर रही है, सभी जातियों को नहीं ले रही, जैसे धानक है बाल्मीकि है खटीक है बावरिया है इनको अनदेखा कर रहे हैं, तो मेन कारण ये है, ये चाबी है फेल होने का।
लेकिन बहन जी तो बोल रहती है ना सर्वजन सुखाए सर्वजन हिताए, वो सिर्फ नारा है, प्रैक्टिकल में नहीं है। और प्रैक्टिकल में तो जब हरियाणा वाले बुला रहे हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके कहते हैं हम आपके साथ 38 जात के सिर्फ बेशक मत आओ, वहाँ पोजिशन थे। तो ये चीज़ है।